हो गया अब इधर देखें आप, और इधर भी बहुत, तो इधर लगा हुआ नेट हाउस प्रकार। आप ये डंडे से इसको घोल, तो इधर लगा हुआ नेट हाउस, और अपन अपना रोपा लेना आया है संधि का। इधर निकल रही लेबर और वो बढ़ा रही है ट्राली, क्योंकि तो बारिश ज़्यादा हुई इस कारण ट्राली से लेने आना पड़ा। मैं भी अंदर आपको दिखाता हूँ रोपा। सर किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे वीडियो में। मैं अरवाज अली, और आज एक और नया वीडियो लेकर आए आपके लिए। आज का जो वीडियो होने वाला है बड़ा लाभदायक होने वाला है सभी किसानों के लिए। जो हमारे चैनल पर नया आया है उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज का जो वीडियो है हमारा रोपा लगने वाला है, तो किस प्रकार से उसको रोपे को लगाना है और जो हमारा है उसको उपचार करके लगाना है, काय में डुबा के लगाना है, हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको किस चीज़ का स्प्रे करना है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। जो नया किसान हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद। तो ये इधर है सुनिधि का रोपा, ये हमारे शिवम भाई और एजाज भाई भर रहे हैं, क्योंकि आज लेबर की थोड़ी दिक्कत है तो हमको ही लेके जाना पड़ रहा है रोपा। तो इधर अपन ने सुनिधि का रोपा ले आए हैं, और आधा इधर रख रहे हैं, इधर कैरेडा रखी और लग रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं हमारे ट्रैक्टर जो है फंस गया है, उधर निकालने की कोशिश कर रहे हैं हमारे शिवम भाई। इधर ये पूरा रास्ता खराब हो गया है कीचड़ में, निकल गया। तो आपने ये ले लिया है एक टप, और इसमें भर रहे हैं हम पानी। आपको बताते हैं ये समथिंग है वो 90 लीटर का होगा ये टप, आराम से इसमें 90 लीटर पानी आएगा। तो ये हमने 90 लीटर पानी भर लिया एक टप में, और ये हमारे पास क्रीक केल्प, इसमें कार्बनिक तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। इसको हम ये 90 लीटर में कम से कम 60 ग्राम इसको हम घोलेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको, इसको खोलते हैं। इसको हमने एक खोल लिया, इसको ये 100 ग्राम का है, पर इसमें से हम थोड़ा कम डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे हम। इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसमें कम कर देंगे पानी। ये 100 ग्राम का है, इसमें से हम 60 से 70 ग्राम डाल रहे हैं। इतना हमने डाल दिया और इतना बचा लिया है। अरे इसको लकड़ी से घोल लेंगे पूरा, डंडे से इसको घोल लें। अच्छा, और मैं आपको बताता हूँ इसको किस प्रकार से डुबा के निकालना। तो ये आपको इस प्रकार से लेना है, ध्यान रहे पूरा पौधा इधर से और ऐसा, और इस प्रकार से ये निकल जाए। तो ये हमारी कैरेट केल्प में आराम से गीली हो चुकी है। इस प्रकार से आपको सारी कैरेट को गीला कर करके डुबा डुबा के रखना है, ताकि इसका थोड़ा पानी निकल जाए। तो इधर हमने ये सारी कैरेट को क्रीक केल्प में डुबा के निकाल लिया, इसका उपचार कर दिया, और इस पर हमने स्प्रे भी मार दिया है। तो स्प्रे हमने ये देखिए आप, इसका मारा है ये मैंने एक्स्ट्रा है, इसका स्प्रे मारा है। तो आपको इसमें दवाई भी कम लगेगी, और आपका 8 दिन की एक स्प्रे की भी बचत हो जाएगी। तो जैसे लगाते हैं, तो अभी कुछ ज़्यादा शिकायतें चल रही है इल्ली की, रोपा लगाते से इल्ली आ रही है, तो वो नहीं आएगी। तो आप इसमें 5 ml पर पंप वो रखिए हमारी टंकी, उससे हमने स्प्रे कर दिया था, देखिए। और ये हमारी नोटेज लगी हुई है, इसको समथिंग 20 दिन हो चुके हैं लगी हुई को, और बाकी का रोपा उधर सामने लग रहा है, आप देख सकते हैं वो, देखिए। मैं उधर आपको चल के और दिखाता हूँ। तो इधर लग रहा है हमारा रोपा, और बारिश भी कल बहुत तेज़ हुई थी, तो देखिए पेट में पानी भरा हुआ, पर क्या करें, लगवा रहे हैं रोपा। ये देख सकते हैं इधर आप, ये रोपा लग गया, देखते हैं इसको, बढ़िया लग रहा है। और बाकी का इधर कल लगेगा, और इधर भी बड़ा प्यारा हो रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो ऐसे मौसम में रोपा जल्दी सेट होता है।
और इधर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है और इधर हमारे टप्पर में पानी भरा गया है इधर, और इधर भी बहुत मतलब इतनी बारिश हो गई है कि जो अभी बारिश चल रही थी उसमें जितने पानी नहीं गिरा उतना तेज पानी अभी गिरा है। और आपको उधर दिखाते हैं, इधर आप ये देख सकते हैं पूरे बेड में पानी पानी भरा चुका है और लेबर तो हमारे गए बहुत आधा घंटा हो गया। और इधर देखिए आप, इधर थोड़ा सा बचा है, इधर टप्पा में पानी नहीं भरा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इधर देख रहे हैं अभी बारिश हो रही है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इधर मेरे पीछे पूरा बारिश पानी पानी हो रहा है। इधर भी देख सकते हैं आप, इधर हमारी मिर्ची की कैरेट रखी है। तो हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी है कि अभी टप्पर में पानी नहीं भरा है, अगर थोड़ी देर और पानी बारिश होती तो भरा जाता है।